गुड आफ्टरनून एवरीवन। एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इट्स 2 o'clock ना। ओके, आज हमारा टॉपिक है कैनवास पेंटिंग, जिसमें हम कैनवास यूज़ करेंगे। आपके पास प्रेजेंटली अगर आपके पास ड्राइंग बुक्स हैं या जो भी मोटे थोड़ा मोटा शीट्स जो रहेगा उस पर आप कैनवास पेंटिंग करोगे मेरे साथ। और आज का हमारा टॉपिक है सनसेट का, जिसमें मैं आपको बेस बनाना सिखाऊंगी कि बेस कैसे तैयार करते हैं, और उस बेस पे आप है ना थोड़ी थोड़ी अलग अलग चीज़ें इंक्लूड करके आप उसको एक डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स बना सकते हो। ओके, अच्छा, जब कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं या कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको ड्राइंग का एक लिमिटेड टाइम होता है और कलरिंग का, है ना। पेंसिल से ड्राइंग करना होता है और कलरिंग का टाइम होता है। तो जो आज हम ड्राइंग करेंगे उसमें मैं आपको सीधे कलर से ही ड्राइंग करना सिखाऊंगी। ओके, कि कलर से ही आप पूरा ड्राइंग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। जिसमें हमको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, एक हमारे पास कैनवास होना चाहिए, ओके। दूसरा हमारे पास एक्रेलिक कलर्स होने चाहिए। ये देखो मेरे पास ना, हाय हेलो, ये देखो ये हमारे फैब्रिक्रिल के एक्रेलिक कलर्स हैं जिनको हम यूज करने वाले हैं अपने कैनवास पेंटिंग के लिए, ठीक है। इसके ना जो कलर्स होते हैं, ये देखो ये हमारे काफ़ी चलते हैं कलर्स, और मैं प्रेफरेबली मैं ये यूज़ करती हूँ। एंड एक इन कलर्स के लिए एक अच्छा सा आपको टिप देती हूँ कि आप जब भी कलर्स यूज़ करो ना, कईयों का होता है कि मैम कलर्स तो हमारे सूख गए, आप जब भी इनको यूज़ करो आप इनको उल्टा रख दो। उल्टा रखने से क्या होगा, आपके कलर्स एक तो कभी सूखेंगे नहीं, और दूसरा आपको मालूम पड़ेगा कि आपका कौन सा कलर है। हाय स्वाति, नाइस टू सी यू। ये देखो, ठीक है, आप ये कलर्स को अगर आप उल्टा रखेंगे तो आप कलर भी पहचानोगे और आपके कलर्स कभी ड्राई नहीं होंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। और अगर कलर काफ़ी टाइम तक आप पेंटिंग नहीं करने वाले हो, आप कलर में 2-3 ड्रॉप वाटर की डाल दो, जिससे कि आपके कलर्स काफ़ी टाइम तक चलेंगे, हाँ। तो आज हम यूज़ करने वाले हैं फैब्रिक्रिल के अपने एक्रेलिक कलर्स कैनवास। अच्छा, मैं कैनवास के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरा कैनवास रोल, जो कि आई थिंक आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। मैंने ये क्योंकि मैं कैनवास बहुत करती हूँ, इसलिए कैनवास बहुत बनाती हूँ, इसके लिए मैं कैनवास रोल यूज़ करती हूँ, जिसको आप किसी भी शेप में काट सकते हो, है ना। आपके साइज़ के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो हम ये यूज़ करेंगे, एंड हमको चाहिए हमारे ब्रशेस। ओके, ये देखिए हमारे फैब्रिक्रिल के हमारे पास ब्रशेज़ हैं, कलर्स हैं, और ये, ठीक है। अब हमारे को क्या चाहिए, अब हमको चाहिए अपना कैनवास हम शुरू करते हैं। मैं आपको बेसिक चीज़ें कुछ बताती हूँ कि हम सबसे पहले ये चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम सनसेट का या सीनरी का आपको टॉपिक आता है तो हम उसको बना रहे हैं, तो ये चीज़, ये जो बेसिक चीज़ है, इसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप ना अभी आप इधर मेरा ये ड्राइंग बुक है जिसमें आपको, अच्छा, आपके पास ना प्रेजेंटली कलर्स होने चाहिए। देखो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक नहीं बना पाओगे, सिर्फ देखने से नहीं बनेगा। कलर्स होने, सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, ज़्यादा चीज़ें चाहिए नहीं। कलर्स चाहिए, कैनवास चाहिए, या आपके पास ड्राइंग बुक है वो चाहिए, और ब्रशेस चाहिए, ठीक है। ये हमारे को, अच्छा, वाटर बाउल तो सब रखेंगे ही, वाटर बाउल हमें चाहिए, है ना। हमारे पास रफ क्लॉथ होना चाहिए, इतनी बेसिक चीज़ें हमें चाहिए। अब है ना, मैं आपको बताती हूँ सबसे बेसिक फंडा जो हमारा है, वो बेसिक फंडा है हमारा कि ये देखो,
ये मान लीजिए आपका कैनवस है, ठीक है, ये आपका पूरा कैनवस है। तो कैनवस को आप जब सनसेट ड्राइंग बना रहे हो, आप सनराइज ड्राइंग बना रहे हो, आप सीनरी बना रहे हो, कैनवस को आप, ये आप मान लो आपका कैनवस है, आप इसको दो हिस्से में डिवाइड करोगे। दो हिस्से में डिवाइड मतलब आधा हमारा स्काई आता है और आधा हमारा सी आता है। तो सी और स्काई के बीच में क्या होता है? हॉराइजन लाइन, है ना। तो ये हो गई हमारी हॉराइजन लाइन, ठीक है। बीचों बीच हम इसको, मेरे कैनवस को भी अगर मैं यहाँ पे अपने कैनवस को भी डिवाइड करूंगी तो मुझे जितना चाहिए मैं यहाँ पे अपना एक हॉराइजन लाइन ले लूंगी। इस हॉराइजन लाइन के ऊपर हमारा स्काई रहेगा और नीचे हमारा सी रहेगा, ठीक है। इतना उसके बाद क्या होगा, देखो स्काई का पूरा रिफ्लेक्शन सी में आता है। तो अगर हमारा ऊपर ब्लू कलर आ रहा है, यहाँ अगर हमने ब्लू कलर यूज किया है, तो हम आई थिंक आप लोगों को मेरा, मुझे कोई लिख के बताओ मेरा आवाज और ये शीट क्लियर है क्या? कहीं भी कुछ एरर, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम किसी को तो नहीं आ रहा है? कुछ भी कहीं दिक्कत आ रहा है तो प्लीज मुझे बोलो। ये हमारा अगर ऊपर ब्लू कलर आया है तो हमारा रिफ्लेक्शन में नीचे ब्लू कलर आएगा, ठीक है। ये हमारा नीचे ब्लू आएगा। अगर हमने यहाँ पे स्काई में सुबह सूरज निकलता है या डूबता है तब यहाँ पर रेड कलर आता है ना, अगर हमने यहाँ रेड कलर लिया है तो हमारा यहाँ पर भी रेड कलर आएगा, ओके। यहाँ हमारा सन रहेगा, ये हमारा वाइट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो इसका कलर तो हमको दिखाई नहीं देता है। ये हमारा वाइट रहेगा, यहाँ हमारे, ये होराइजन है, यहाँ पर हमारा माउंटेन्स हम डाल देते हैं। अच्छा, हम कुछ चीज़ें जो डाल सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम यहाँ पे ट्री डाल सकते हैं, यहाँ पे हम कोकोनट ट्री, सी के पास ज़्यादातर कोकोनट ट्री होता है, हम कोकोनट ट्री डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हमने रेड और यहाँ पे सन के बाद आता है यहाँ पे येलो और ऑरेंज कलर की मिक्सिंग होती है ना, ये कलर हमको दिखाई देते हैं। तो हम नीचे भी हल्का, ज्यादा नहीं, हल्का येलो और ऑरेंज कलर डालेंगे, ओके। और यहाँ पे हम जो हमारा रेड कलर है वो लेंगे। इतना समझ में आया? ये हमारा बेसिक है। आप इसमें बोट डाल सकते हो, आप इसमें बोट डाल सकते हो, आप इसमें डक्स डाल सकते हो, आप अपने वेरिएशंस बना सकते हो। डक्स एकदम सिंपल होती है, जो छोटे बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान से देखो, है ना। डक्स एकदम सिंपल है, हमने यहाँ से आप सिंपली जो टू बनाते हो, है ना, ये हमने टू बनाया, यहाँ से हमने इसको लिया, कवर किया, जस्ट यू बनाया, पहले टू बनाया, फिर यू बनाया, फिर हमने यहाँ पे ये देखा, है ना, डक्स हमारी सिंपल सी डक्स आ गई। अगर हम आपको इसमें बोट डालनी है तो हम क्या करेंगे, मेरा यहाँ पे शीट पे जगह नहीं है, मैं आपको बोट दिखाती हूँ। अगर हमको बोट डालनी है, मेरा पेन, अगर हमको जो हम सनसेट का पेंटिंग बनाने वाले हैं उसमें हमें बोट डालनी है, हम इस तरह से, आपको मैं तीन ऑप्शन दे रही हूँ, कोकोनट ट्री है, नॉर्मल ट्री है जो मैंने आपको पेंटिंग में डाला है, और ये हमारा प्यारा सा बोट है, ठीक है। ये सिंपल है ना एकदम, दो कर्व लाइन, ये हमने तीन कर्व लाइन ली, इन्हें जोड़ दिया स्लांटिंग लाइन से, फिर हमने दो पैरेलल लाइन ली ऊपर, दिख रहा है ना, यहाँ से कर्व लेके इसको कनेक्ट किया, ये कर्व लाइन आई, ये आ गया, इसको हम यहाँ जोड़ देंगे, इसको यहाँ जोड़ देंगे, और ये हमारी सेल बोर्ड बन गई, ठीक। अच्छा, अब क्योंकि हम सनसेट बना रहे हैं, सी बना रहे हैं, और बोट हमारी कहाँ है, सी के अंदर है, तो एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि बोट के बीच में एक लाइन होगी जो कि ब्लू कलर की होगी, ठीक है, उसके नीचे, बोट के नीचे शेडो होगी,
है ना? तो जो हमने ऊपर बोट बनाई है वैसे ही बोट हम अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ बनाएंगे, क्योंकि हमको शेडो चाहिए। ये क्या है, एग्जैक्ट शेडो पड़ती है ना पानी के अंदर, ये हमारी एग्जैक्ट शेडो हो गई। ठीक है, इसको हम थोड़ा हिलता हुआ बनाएंगे, मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है। ओके, ठीक, इतना समझ में आया? हाँ, इतना समझ में आया आप लोगों को? प्लीज डू लेट मी नो, आप मुझे मैसेज कर सकते। ओहो, अच्छा नीचे चले गया मैसेजेस। ओके, थैंक यू प्रतीक्षा। ओके नाइस, चलिए अब आप मतलब मुझे आ गया समझ में कि आपको समझ में आ रहा है। अब हमको क्या लेना है, हमको पहले ब्लू कलर लेना है जो कि हमारा ये रहा, ये देखो है ना, फेविक्रिल का हमारा ये ब्लू कलर लेंगे हम। अच्छा, मैंने स्कॉच टेप भी लिखा था उस पर। स्कॉच टेप हमने क्यों लिखा था कि आप जब भी कोई पेंटिंग बनाते हो, आप कैनवस बोर्ड वाला कैनवस यूज़ कर रहे हो, आप प्लेन मेरी तरह रोल कैनवस यूज़ कर रहे हो, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखो, हमेशा ना स्कॉच टेप, टेप मतलब मेरा टेप यहाँ पर है क्या, टेप ना कुछ 1 इंचेस का होता है ना, इसको अगर हम यहाँ पर टेप मार देंगे पूरे में, एग्जैक्ट बॉर्डर लगाना, एग्जैक्ट बॉर्डर लगाना कि हम जैसे ये है ना, ये छोटा वाला है, ये मैंने इसमें चौड़ा वाला 1 इंची वाला टेप लगाया हुआ है ना, मैं आपको इसका मैजिक दिखाऊंगी आखिरी में, पहले ये हो जाए हमारा उसके बाद दिखाती हूँ। ये हम मैंने चारों तरफ टेप लगा दिया। ओके, अब मुझे कलर, सबसे पहले क्या स्काई में सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? हाँ ब्लू कलर होता है, तो हम लेंगे सबसे पहले ब्लू कलर जो कि बहुत सिंपल है। ये बहुत सिंपल ड्राइंग है, अगर आप छोटे हो आपको क्रेयॉन्स भी यूज करने हैं तो भी ना आप ये चीज यूज कर सकते हो। ये हम इस ये वाली टेक्निक ना, ये हर जो भी हमारा सनसेट का सनराइज का ड्राइंग होता है हम उसमें इसको यूज कर सकते हैं। ओके, ये सबसे पहले क्योंकि स्काई में हमारे ब्लू कलर होता है तो हमने ब्लू कलर डाला। कलर्स अलग अलग ना दिखें, ये भी ध्यान रखना कि कलर्स हमको अलग अलग ना दिखें, हमको कलर की मर्जिंग करनी है। कलर में पानी नहीं मिलाना, पानी मिलाओगे तो भी ड्राइंग का हरी हरी है, ड्राइंग का इफेक्ट बिना कलर को आप बिना पानी मिलाए यूज करोगे कैनवास पर। ये हमारी लाइन आ गई, ब्लू वाला पार्ट हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या लेना है, आप रेड ले सकते हो, आप पर्पल ले सकते हो, हमको स्काई में बहुत सारे कलर सिखाई देते हैं है ना, इवनिंग के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे, हमको अपन नीचे इसको थोड़ा सा हल्का कर। ये हमारा ब्लू कलर आया, अब इसके बाद है हमारा कौन सा कलर आएगा, रेड कलर। ठीक, अब हम इसके इसके बाद हम कौन सा कलर यूज करेंगे, रेड कलर यूज करेंगे। तो अच्छा एक काम करते हैं ना, क्योंकि हमको सेम करना है, ऊपर भी ब्लू है नीचे भी ब्लू है, हम नीचे भी ब्लू मार देते हैं, ये
मैंने पैलेट में ब्लू कलर निकाला ही हुआ है, और मुझे मैंने आपको क्या बोला कि हम जो कलर ऊपर करेंगे उसका ठीक रिफ्लेक्शन हमको नीचे दिखाई देगा, है ना। तो ये हो गया हमारा ऊपर व्यू, नीचे भी व्यू। अभी हमको चाहिए रेड, मैंने ना ब्लू और रेड लेने के बीच में मैंने इसको वॉश नहीं किया, क्यों, जिससे कि इसमें कलर में मर्जिंग हो जाए। अच्छा, इसमें हमारी मिडिल लाइन कहाँ है सर? यहाँ से यहाँ तक, तो इसको यहाँ पर ही जो हमारी होराइजन लाइन है, ये हमारी होराइजन लाइन है। होराइजन पता है, जहाँ स्काई और सी एक लाइन के बाद मिल जाते हैं ना, उसको हम होराइजन लाइन कहते हैं। ठीक, अभी एकदम हल्के हाथ से, एकदम हल्के हाथ से हमको गीले में ही दोनों को मिक्स करना है, एकदम हल्के हाथ से। अभी हमको सेम नीचे चाहिए, है ना, तो हम इसको नीचे हम ब्लू थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा ब्लू काफी नीचे रह गया है, यहाँ से रह गया। होप आप लोग मेरे साथ बना रहे हो। थैंक यू, थैंक यू स्मिता, थैंक यू डियर। जो हमारे बेसिक कलर्स है ना, हमको स्काई में और उसमें दिखाई देता है, हमको वही यूज करने हैं। दोनों को ब्लू और रेड को मिक्स करके कर दिया। अभी आपको ये इतना नीट नहीं लगेगा, लेकिन जब ये बनकर निकलेगा ना, जब आप ज्यादा क्लियर हो। थोड़ा सा ब्रश में पानी लेंगे, थोड़ा सा ब्रश में पानी लेके हम दोनों को मर्ज कर देंगे।
हम क्या करेंगे, अभी हम ऑरेंज पहले देखो यहाँ पे, ये हमारा अगर हमने यहाँ पे सन को माना है, ये हमारा मान लो सन हाँ, तो हमको क्या चाहिए, सन के आजू बाजू कौन सा कलर होता है जल्दी से बताओ, सन के आजू बाजू ब्राइट येलो ऑरेंज ये कलर्स होते हैं ठीक। ये हमारा फेविक्रिल का हमारा ये येलो कलर ओके। थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना तो भी चलेगा, जैसे रेड में हल्का सा, येलो में हल्का सा रेड मिक्स हो जाए है ना, रेड में हल्का सा ब्लू मिक्स हो जाए, क्योंकि अलग अलग कलर्स नहीं होते ना। देखो यहाँ पे येलो में हल्का सा रेड आ गया, तो हल्का सा वो क्लाउड का फील देता है, हम क्लाउड ही बनाएंगे ठीक। इतना समझ में आया, ऐसा ये हमारे होराइजन है ना, ये हमारा इसके नीचे भी थोड़ा सा येलो। अब हमें कौन सा कलर चाहिए येलो के साथ, कुछ कुछ दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बोलो। ओके सर, ये हमारा फेविक्रिल का ऑरेंज कलर ओके दिख रहा है ना। मुझे आप लोग ये ड्राइंग बनाकर भेजना, अगर आप चाहते ना कि मैं आपको और आगे ड्राइंग सिखाऊं, तो मैं आपको 2 डेज का होमवर्क देती हूँ कि 2 डेज में आप मुझे बनाओ जितना अच्छा बना सकते हो, और फिर मुझे फोटो क्लिक करके मेरे फेसबुक अकाउंट में पोस्ट कर। ओके हम थोड़ा सा हल्का हल्का करने का इसमें, और नीचे तो हम पूरे ही हमको क्या चाहिए, अभी हमको ऑरेंज और येलो की मर्जिंग करनी है। अभी थोड़ा सा येलो और करते हैं हम इसमें, जिससे कि एक रिदम आ जाए। ये थोड़ा सा हमारा बेस तैयार हो गया लग रहा है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो प्लीज मैसेज मी। अब हमको क्या करना है, अब हम इसको हमें सन करना है ना, तो सन हमारा प्रॉपर वाइट होना चाहिए, तो हमको चाहिए वाइट कलर। तो ये क्योंकि मैं ये वाइट कलर बहुत यूज करती हूँ, तो ये मेरे पास वाइट कलर ज्यादा है, और इसमें से हम वाइट कलर लेके सन को वाइट करेंगे ठीक।
ऐसा नहीं है कि सन वाइट है तो हम छोड़ दें उसको, नहीं, आपको सन को वाइट करना है, फिर आपको कोई भी चीज छोड़नी नहीं, आपको कलर करना है। मस्त दिख रहा है ना। चलो अब क्या करेंगे, अब हमको इसको डिवाइड करना है। अब हमारा किस चीज का काम आया, अब हमारा ब्लैक कलर का काम आया। अब हमको सबसे ज्यादा जरूरत है ब्लैक कलर की, जिससे ब्लैक कलर कितना यूज करना है, जितना खाने में नमक यूज करते हैं उतना हमको ब्लैक कलर यूज करना है। ठीक, तो हमारा ब्लैक कलर किधर है भाई, ये देखो, ये रहा हमारा ब्लैक कलर। किधर है, हाँ ये ना, इसको हम यूज करेंगे। हॉराइजन लाइन हमारी अलग से दिखाई दे, इसके लिए हॉराइजन लाइन दिखानी है, माउंटेन्स दिखाने हैं, है ना। अच्छा, आप इसको थोड़ा सा सूखने देना, थोड़ा सा सूखने के बाद करना, मेरे को आपको दिखाना है इसलिए मैं आपको वेट पे करके दिखा रही हूँ। ये हमारी हॉराइजन लाइन हो गई। अब हमने क्या डाला है, हमने इसमें माउंटेन्स डाले थे, ये हमारे हो गए माउंटेन्स। अच्छा, एक्रेलिक कलर की खासियत ये होती है कि आप इसको फ्रेम करके लगा सकते हो, आप इसको 10 ईयर्स बाद भी वॉश करोगे ना, ये वॉश होके बिल्कुल नया दिखाई देगा। ऑफ कोर्स अगर आप कैनवस पे करते हो, पेपर पे नहीं। दिखाई दिया माउंटेन, है ना। ये हमारा एक तरफ का माउंटेन हो गया, अब ये हमारा दूसरी तरफ का। हम यहाँ से थोड़ा ऊपर से लेंगे, ठीक है।
होमवर्क ये है सर कि 2 दिन में आपको जो मैं आपको पेंटिंग सिखा रही हूँ, आप इसको मुझे बना के फोटो खींच के भेजोगे, है ना, जिससे कि मुझे समझ में आएगा कि मैं आपको कोई चीज़ सिखा पा रही हूँ। आप मेरे से चीज़ को आपको चीज़ समझ में आ रही है और आप बना पा रहे हो, है ना, तभी मैं आगे कंटिन्यू करूँगी ना बेटा, जिसकी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इतना हो गया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे से हम ट्रीज निकाल लेते हैं। अच्छा, ट्रीज ना आप सिंपल ट्रीज से बना सकते हो, जैसे मैंने आपको पेंटिंग में डाले थे, और आप ना कोकोनट ट्रीज से बना सकते हो। कोकोनट ट्रीज कैसे बनाएंगे, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, देखो कोकोनट ट्रीज बनाते हैं। से हमने ऐसे लिया, क्रॉस में जाता है ना मोस्टली कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री ज्यादातर सी के पास जो होते हैं मोस्टली क्रॉस में जाते हैं, झुके हुए होते हैं पानी ना, ऊपर से पतला होगा, ऊपर से पतला होगा और नीचे की तरफ आके ठीक होता जाएगा, लेकिन ज्यादा उनका स्टैम्प ज्यादा नहीं मोटा होता है, उनका जो लॉ होता है ज्यादा मोटा नहीं। इतना हमारा ये कोकोनट ट्री का लाइन आया। कोकोनट ट्री के लाइन के बाद आप क्या करोगे, आप ना यहाँ पर एक क्रॉस बनाओगे, यहाँ पर हम एक क्रॉस बनाएंगे, ऐसे गया, दिखा क्रॉस, दिख रहा है ना, ये हम क्रॉस को एक्सटेंड कर देंगे। ये हमारा क्रॉस आया और एक हम हाँ, अब हमको क्या करना है, हमको एकदम बारीक स्ट्रोक रखना है, और मतलब जब हम रखेंगे तब वो मोटा होना चाहिए, जब हम उसको आगे एकदम उठाएंगे तभी वो एकदम पतला होना चाहिए, रखना होगा ये। दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है क्लियर, अभी अभी रखते हैं ठीक। सेम हम जो जो भी हमारे लिए ना 5 लीव्स, ये सेम हमको ऐसे ही रखना है, उड़ाना है, रखना है, उड़ाना है, जैसे ही उड़ाओगे ना ब्रश को अपना अपने आप पतला हो जाएगा। देखो मैं दिखाऊँ कैसे, इसमें देखिए रखना है, उड़ाना है, जब हमने रखा तब हमारा ये मोटा है, और जहाँ हमने उड़ाया एकदम पतला होगा, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब इसी तरह से ये नीचे एकदम पॉइंटेड होती है, जो कोकोनट लीव्स होती है ना, कोकोनट लीव्स ऊपर से मोटी होती है और नीचे की तरफ एकदम पॉइंटेड, एक बड़ा लीफ का शेप बन रहा है, एकदम पॉइंटेड, ध्यान रखना हमको एकदम पॉइंटेड बनाना है नीचे की तरफ।
एकदम पास पास एकदम चिपका कर बनानी है और पॉइंटेड बनानी है, और हमेशा जो हमारी नीचे वाली लाइन है उसी से हम निकालेंगे, तभी वो पॉइंटेड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दिख रहा है ना? अब इसी तरह से आप दूसरी तरफ से भी निकाल सकते हो कोकोनट ट्री। जैसे मैंने यहाँ से निकाला, इसको हम थोड़ा सा इसका नीचे से स्टैम मोटा कर देते हैं। ये सबसे बेसिक ड्राइंग है। अगर आप मुझे ये बेसिक ड्राइंग बना के भेजोगे, फिर मैं आपको इसके आगे की जो और स्टेजेस होती हैं और आगे करेगा वो मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है? ये इतना हो गया। अब क्या करना है हमको, जब पानी पर लाइट आती है तो वो वाइट कलर का शाइन करता है ना, वेव्स होती हैं, तो हमको अब रेज बनानी है और सन की रेज बनानी है। सन की जो बीचों बीच एकदम रेज निकलती है ना, हमको वो बनानी है। अब इसको थोड़ा सा, ये देखो मेरा कलर वापस है वाइट वाला। ये मैं थोड़ा सा निकाल लूंगी क्योंकि हमने पानी बना लिया, माउंटेन्स बना लिए, हमने ट्री बना लिया। आपने देखा ना पेंटिंग कितनी जल्दी बनती है, टाइम मिलता है ना स्कूल में। अच्छा, ये आप पेंटिंग को कहीं भी यूज कर सकते हो, आप कुशन कवर्स बना सकते हो, आप बैग पर कर सकते हो, जो बड़े लोग हैं वो उनको डिफरेंट डिफरेंट डेज पे कर सकते हैं, अदरवाइज वॉल डेकोर की तरह तो कर ही सकते हैं ना। ये वेवी लाइंस ऊपर से मोटा होगा और नीचे से पतला होता जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ से वेव्स वेव्स देनी है हमको, दिख रहा है? देखो मैं जैसे तेरे खड़ी हूँ तो बहुत टेढ़ा होता जा रहा है। किसी बच्चे को कंपटीशन में सीनरी आए तो कितनी जल्दी बना सकता है, ओनली 20 मिनट्स लगे ना हमको बनाने को उसे। अभी हम इसमें थोड़ी सी माउंटेन से एकदम नीचे हमको कुछ नहीं देना है, वो हमको एरिया खाली छोड़ना है। एकदम पतली पतली रहना, एकदम पतली पतली रहना, हमको वेवी लाइनें देनी है। वेव्स बनानी है। ये व्हाइट कब दिखता है, जब सूरज की रोशनी बढ़ती है ना, सूरज की रोशनी बढ़ती है तो ये व्हाइट व्हाइट शाइन करता है। ये हमारा दिख रहा है ना, व्हाइट व्हाइट लाइन दिख रही है, वेव्स दिखाई दे रही है। ये देखो वेव्स जैसे समझ में आ रहा है, आई होप। अगर कहीं भी किसी को कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आस्क।
मैं आपको दूर दूर बना के दिखा रही हूँ, लेकिन आपको कोशिश करना है आप जितना पास बना सको, है ना? कुछ नहीं है, सिर्फ हमको वेव्स डालनी है। ठीक, इतना समझ में आया? अच्छा, अब हमें क्या करना है, जो हमारी ब्रश खराब हो जाती है ना, ये देखो, है ना, ये मोटू हो गए ना, एकदम हार्ड हो गए ब्रश, है ना। इससे आप क्या कर सकते हो, मेरे पास अभी व्हाइट कलर बहुत बचा है। अच्छा, यहाँ दिख रहा है ना, आप स्काई में और क्या होता है, स्काई में क्लाउड्स होते हैं, तो हम क्लाउड्स दिखा सकते हैं। क्लाउड्स कैसे दिखा सकते हैं, ये जो हमारा खराब वाला ब्रश है, खराब वाला ब्रश होता है कि जिसमें हेयर्स एकदम अलग अलग हो जाते हैं ना, मोटे मोटे हो जाते हैं, इसको हम कलर में डालेंगे। सिर्फ पैट लगेगी, दिख रहे हैं क्लाउड्स? कहीं डार्क कहीं कम, हल्के, है ना, गोल गोल बनाना। क्लाउड्स ज्यादातर गोल गोल दिखाई देते हैं। और इससे क्या होगा कि हमारी दो कलर की जो मार्जिन है ना, कैसा लग रहा है? हो गया इसीलिए ओके, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है? कुछ भी क्वेरी रहेगी तो प्लीज आस्क, है ना। अभी हम क्या बना सकते हैं इसमें, इतना हमने कर लिया, हमने कोकोनट ट्री बना लिया। कोकोनट ट्री आप एक तरफ, आप दोनों तरफ से बैलेंस कर सकते हो। कोकोनट ट्री के लिए हम दूसरी तरफ से भी ट्री निकाल सकते हैं। ये सन के ऊपर भी आया ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी अच्छा ही दिखता है। क्या करेंगे, हमने ये लाइन ले लिया, अब अगेन हम क्या करेंगे, एक क्रॉस मारेंगे, जिससे कि हमारा परफेक्ट लाइन आ जाए। ये हमारा क्रॉस हो गया, इसी को बाद में हम एक्सटेंड। होती है ना, ये हमारी फाइव लाइंस हो गई। इसमें हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज है, रखना है, उड़ाना है। जब हम रखेंगे वो मोटा होगा, और जब उसको उड़ा देंगे वो एकदम पतला निकल के आएगा, एकदम पॉइंटेड होती है ना कोकोनट की लीव्स, ये हमारा एकदम पॉइंटेड निकल के। समझ में आ रहा है, किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज मैसेज मी।
ब्लेस यू। अब इसमें हमको क्या चाहिए, इसकी शेडो नीचे आनी चाहिए, तो इसकी हम शेडो हल्का सा ब्लैक कलर हम नीचे दोनों वगैरह वेव्स ही डाल रहे हैं ना, ब्लैक वेव्स भी डाल लेते हैं। समझ में आया, मुझे बना के मिलेगा भी ये, कौन कौन मुझे बनाकर भेजने वाला है। चलो अब मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ, क्योंकि ये अभी नीट नहीं दिख रहा होगा ना आपको। अगर हम इसको निकाल देंगे जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कलर था, जितना भी हमारी जो अनटाइडी लग रहा था ना साइड में पूरा, वो सारा हमारा टेप के साथ चला गया। आप जब भी कोई ड्राइंग बनाते हो, जब भी कोई पेंटिंग करते हो, जरूर से साइड में स्कॉच टेप मार दो, जिससे कि आपकी वो जो मार्जिन रहती है ना, टीचर कहते हैं मार्जिन करना है, कोई भी चीज बना रहे हैं हम तो उसमें देखो, जो हमने स्कॉच टेप लगाया था उसकी वजह से हमारा एक प्रॉपर मार्जिन बन गया, जिसको हमें खींचने की जरूरत नहीं पड़ी, और आपका पेंटिंग बन गया है ना। अब अगर किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज डू आस्क। ये देखो है ना, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको जो और ऑप्शंस हैं इसमें आप बोर्ड बना सकते हो, जैसे मैंने आपको बोर्ड बनाना बताया, आप ट्रीज की जगह बोर्ड डाल सकते हो। आप है ना, ये ट्रीज की जगह आप इसमें बोर्ड डाल सकते हैं। कहाँ गया ये रहा, ये हमारा बोर्ड है, ऊपर यहाँ पर हमारा बोर्ड बन सकता है ना, और यहाँ नीचे इसकी शेडो। अगर समझ में नहीं आएगा आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो ये बोर्ड और उसकी शेडो, या फिर हम डक बना सकते हैं है ना, और या फिर हम जैसे इसमें हमने कोकोनट ट्री बनाए हैं, इसमें हमने प्लेन ट्री बनाया है, देखिए है ना, ये भी हमारा कैनवस है, ये सब प्लेन ट्रीज बने हैं। ओके आप मुझे मुझे दो चीजें चाहिए, आप मुझे एक तो कलर्स कि हाँ आपने पेंटिंग बनाया, इसके लिए आप मुझे कलर्स का पिक भेजोगे है ना, क्योंकि ये फैविक्रिल का क्लास है, फैविक्रिल इसको स्पॉन्सर कर रहा है। आप कोशिश करो, अगर आपके पास फैविक्रिल के कलर्स हैं तो आप मुझे ये फैविक्रिल के कलर्स की पिक भेजो, और आपने जो भी कैनवास बनाया है आप मुझे 2 दिन में, अगर आप मुझे ये 2 या 2 से 3 ज़्यादा से ज़्यादा है ना, देखो मैंने तो आपको 30 मिनट्स के आसपास ये बता दिया, समझा दिया कि हमें कैसे बनाना है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर आप मुझे यह पेंटिंग बनाकर भेजिए। पेंटिंग कैसे बनाकर भेजेंगे, आप इसको बनाओ, आपको चाहिए, आपके पास ड्राइंग बुक है, आप बड़ा ड्राइंग बुक है और मोटा शीट है, तो उस पर आप इसको यूज़ करके बनाओ और मुझे फोटो क्लिक करके भेजो। ये सिर्फ हमारा बेसिक है ना, अगर आप आपको ये आ गया तो फिर हम इसके आगे चलेंगे, इसके आगे का बताऊँ।
ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कुछ भी क्वेरी हो आप मुझे फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हो। ओके चलो फिर मिलेंगे, बाय बाय, सी या। रिपोर्ट करो, रिपोर्ट करना आपको ये सर्टिफिकेट से मिलेंगे, आपको सर्टिफिकेट से पेंसिल ड्राइंग बेटा, वैसे पेंसिल ड्राइंग कहाँ करोगे? एक्चुअली मैंने ये ड्राइंग इसीलिए सिखाई है कि जब हम किसी भी कंपटीशन को फेस करते हैं या हमें कोई भी एग्जाम होती है तो हम टाइम को बांटते हैं कि इतने देर में हमको ड्राइंग करनी है, हमको पेंसिल यूज करना है या पेंसिल से स्केच बनाना है और इतने देर में हमको कलरिंग करनी है। तो मैंने आपको ये इसीलिए सिखाया है कि इसमें आपका 20 से 25 मिनट्स के अंदर आपका ये पूरा एक ड्राइंग बन जाता है ना? आपको कलर्स यूज करने डायरेक्ट, और आपका ये पूरा एक आर्टिकल बनकर तैयार हो जाता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए अब अगर आप मुझे कलर्स की पिक एंड अगर ऑन पेंटिंग का जो मैंने आपको बोला है उसकी पिक आप मुझे भेजते हो तो हम फिर जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी या। ओके।